नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोने, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोने टेलीविजन। दोस्तों, आज आप ये सब देख के सोच रहे हैं, सर ये फैन के बारे क्या बताएंगे। हाँ, आज मैं आपको ये जो फैन है, ये हमारा नॉर्मल फैन नहीं है, ये हमारा डीसी फैन है, जो बीएलडीसी फैन बोलता है। इसको हमारे पास रिपेयर आया है, ये लाइटिंग हुआ था, इसको हमने रिपेयर किया है, इसका बारे पूरा रिसर्च किया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन पहले जो फैन था उसका अंदर कॉयल है, लेकिन इसका अंदर भी कॉयल है, मैग्नेट है, सब कुछ है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक डाइवर अटैच होता है। ये रिपेयर करने के लिए इसको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानकारी, मैं पूरा डिटेल्स दूंगा, आप खुद ये रिपेयर कर सकता है। हमारा जो टेक्नीशियन भाई है ना, ये आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। इसमें एक ड्राइवर लगा हुआ है, देखिए ये कॉम्प्टम कंपनी का फैन है, देखो इसका ड्राइवर ऊपर में है, और ये बजाज कंपनी का फैन है, इसका ड्राइवर अंदर में है, इसीलिए ऐसा हाइट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसको रिपेयरिंग तो मैं पूरा पार्ट पार्ट करके आपको पूरा दिखाऊंगा। और इसका रिपेयरिंग करने के पहले ये जो बोर्ड है, ये टेस्ट करने के लिए मैं एक टेस्टर बनाया, ये भी टेस्टर कैसे बनाएंगे वो मैं पूरा आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा, आप खुद बना लेंगे। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप अपडेट होना चाहता है, हमारा यहाँ पर जो एलसीडी टीवी रिपेयर का प्रोग्राम होता है, नेक्स्ट मंथ और नहीं तो पहले मंथ में स्टार्ट होगा। आप अपडेट होना चाहता है तो हमारा जो नंबर है, इस नंबर में कॉन्टेक्ट करिए, उस प्रोग्राम में ये जो बीएलडीसी फैन का रिपेयरिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं फ्री में शेयर करूंगा, फ्री, ये गिफ्ट रहेगा। और बांग्लादेश से जो हमारा प्रोग्राम हो, नेक्स्ट बांग्लादेश नंबर जोगाजोग करूँ, बांग्लादेश प्रोग्राम में ए बीएलडीसी फैन रिपेयरिंग समस्त इन्फॉर्मेशन, सर्किट, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ हमें একদিন শেয়ার করে দেবো, ওটা গিফট থাকবে, গিফট বাংলাদেশ টেকনিশিয়ানদের বন্ধুদের জন্য বলছি। তো দোস্ত সবসে পেলে ইসো মানে দেখাউা ওপেন করকে এ ড্রাইভার কা কেসে সার্কিট কাম কর রাখা ড্রাইভার ক্যা হিসকা অন্দর ক্যা ক্যা হিসকা বারে পুরা ইনফরমেশন মানে পার্ট পার্ট করকে আপকো শেয়ার করুগা, আপ পুরা ভিডিও দেখেনে তো আপ খুদ রিপেয়ার কর পাঙ্গে। তো আজ মানে এক যে कॉम्प्टम कंपनी का फैन है, थोड़ा सा इसका बारे में बताऊंगा, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका जो एडवांटेज है, वाटेज बहुत कम होता है, ये एसी इनपुट होता है, लेकिन एसी इनपुट होने का बाद यहाँ पर एसएमपीएस सर्किट यूज किया है और डीसी में कन्वर्ट होता है, उसका बाद ये डीसी फैन बोलता है। ये एक्चुअल थ्री फेज मोटर है इसका अंदर, वो भी सब दिखाऊंगा पार्ट पार्ट करके। अभी मैं कोशिश करूंगा जितना नॉलेज शेयर करने का कोशिश करूंगा कर दूंगा, लेकिन एक दिन में तो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत लॉन्ग टाइम वीडियो रन हो जाएगा। और दोस्तों आपका इसमें इंटरेस्टेड है तो हमको कमेंट करके बताइए, मैं पूरा सब प्लेस लिस्ट में बना रखूंगा, आप एक एक देखेंगे आपका। देखिए दोस्तों, इसको मैं ऑलरेडी रिपेयर कर दिया, ठीक है, मैं रिपेयर किया है, उसका साथ साथ इसके बारे रिसर्च भी कर लिया, इसका अंदर क्या है, कैसे रिपेयर करेंगे वो देखाऊंगा मैं। देखिए इसको पावर दिया है, कनेक्ट किया है, इसको लाइन आया, देखिए ये रिमोट से इसको ऑपरेटिंग करना पड़ेगा, रिमोट से ऑन किया है, देखिए ऑन होगा, देखिए ऑन हो रहा है, स्टार्ट हो जाएगा, देखिए इसका करंट कंजम्पशन बहुत कम है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आया, स्टार्ट ले लिया, स्पीड आ गया, आया है, तो ये हमारा ओके है, तो इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए इसको रख दो। ये भी मैं रिपेयर कर दिया, एक्चुअल ये लाइटिंग में अटक हुआ था, इसको मैं खुद रिपेयर किया है, तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसको ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ये ड्राइवर इसका ऊपर में है, बहुत सारी जो ड्राइवर है उसका अंदर में होता है, तो इसमें थ्री फेस का मॉडल होता है, वो भी देखाऊंगा। पहले इसको ओपन करके मैं आपको देखा रहा हूँ, देखिए ये जो है ना, ठीक है, ठीक है, इसको ओपन ही कर रहा हूँ, चलिए ये ड्राइवर पूरा यहाँ से मैं निकाल दूंगा। ड्राइवर आप कैसे चेक करेंगे, हमारा ड्राइवर सही है ना, कॉयल का, मैग्नेट का कोई प्रॉब्लम है, वो भी देखना पड़ेगा।
कवर में पूरा है तो देखिए मैं यहां से निकाल दिया। ठीक है, देखिए इसको मैं इसी टेस्टर का माध्यम से पूरा चेक करके आपको दिखाऊंगा। आसान तरीके से आप समझ पाएंगे ये हमारा डाइवर का प्रॉब्लम है ना हमारा ठीक है, इसको एसी देना पड़ेगा, डाइवर का प्रॉब्लम है ना हमारा कॉइल का अंदर कोई अंदर में प्रॉब्लम है। इसको रेड में रेड थ्री फेज मोटर है, थ्री फेज का वाइंडिंग कैसे होता है वो भी देखाऊंगा। देखिए इसको सोल्डर कर दो, यहाँ पर मैं सोल्डर ही कर रहा हूँ, येलो मीलो लगा दीजिए इसको, देखिए येलो में येलो कनेक्ट करिए, और ब्लू में ब्लू कनेक्ट करिए। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, और हमारे यहाँ पर पावर कॉर्ड है, ये मैं इसको लगा दूंगा, इसको यहाँ पर घुसा दो एसी प्लग में। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, और आप इधर इसको अच्छा से देखाइए दोनों को, ये हमारा ड्राइवर है, मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा, पहले चेक करने का तरीका आप देख लीजिए। मैं इसको ऑन किया है, स्विच ऑन किया, देखिए इधर आप याद रखिए, देखिए देखिए घूम रहा है ना, मालूम हो रहा है, तो ऐसा घूमेंगे तो आप समझ पाएंगे, देखिए घूम रहा है ना, फिर ऑफ हो जाएगा, क्यों एरर मोड में चला जाता है, ये तो हम टेस्टर बनाया चेक करने के लिए, तो ये कंडीशन होगा तो आप समझ पाएंगे हमारा ड्राइवर 100% ओके है। ये जो टेस्टर है आप खुद रिपेयर कर लेंगे, मैं इसका डायग्राम शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसका पहले देखिए मैं डीसी ऑफ कर दिया पावर को, इसको ओपन कर दो, यहां से देखाऊंगा, एक कम टर्म कंपनी का ड्राइवर है, तो इसको ओपन करो थोड़ा सा, ड्राइवर के अंदर क्या क्या है देख लीजिए। आज मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, और पार्ट पार्ट करके पूरा वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, रिपेयर करने का पॉसिबिलिटी है, इसको भी ओपन करके दिखाऊंगा, इसको भी ओपन करके दिखाऊंगा, और कॉयल जो मैग्नेट है वो भी कैसे रिपेयर करेंगे वो भी दिखाऊंगा। जूम इन करिए थोड़ा सा, देखो देखिए यहाँ पर हमारा एसी इनपुट हो रहा है, लेकिन एसएमपीएस है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई मेन फिल्टर नहीं लगा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस एसएमपीएस है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका सर्किट भी मैं आपको दे दूंगा, देखिए दोनों कैपेसिटर है, लाइन फिल्टर है, ए मॉस्फेट है, ए एसएम ट्रांसफार्मर है, स्विचिंग होगा, यहाँ से वोल्टेज डीसी वोल्टेज आउटपुट होगा, और ये जो थ्री फेस का मोटर है, देखिए यहाँ पर तीन मॉस्फेट लगा हुआ है, ये ड्यूअल चैनल मॉस्फेट है, इसका अंदर दोनों मॉस्फेट है, और एक एमसीयू है, देखिए एमसीयू है ना, यहाँ पर देखो एमसीयू है, ये तीनों मॉस्फेट है, यहाँ से आउटपुट हो जाएगा, इसका सर्किट भी दे दूंगा। ये हमारा रिमोट आरएफ है, आरएफ से इसको कंट्रोल होगा। ठीक है, और देखेंगे, मैं इसको एक बार स्टार्ट करके वोल्टेज चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए उसका बाद मैं ओपन करके एक बार दिखाऊंगा, देखिए दिया है लाइन, और अब मीटर में इधर तो आ रहा है, को देखिए वो एरर मोड पे चला जाएंगे, बार बार ऑफ होगा ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पर एसी इनपुट हो रहा है ना, और देखो हमारा यहाँ पर एक सेकंड मैं ऑफ कर रहा हूँ, इधर देखो, देखिए इधर देखा है, समझ में आ रहा है, क्लियर, जूम इन करिए थोड़ा सा, देखिए ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में आप देखो, मैं आपको चेक करके देख रहा हूं, देखिए एसएमपीएस तो है, यहां से क्या क्या वोल्टेज आउटपुट हो रहा है आप देखो,
डीसी में, डीसी रेंज में दो है तो डीसी रेंज में, और कितना वोल्ट आ रहा है, कितना वोल्ट आ रहा है भाई? 25 25 वोल्ट डीसी आउटपुट हो रहा है, ठीक है। ये 25 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का अंदर इनपुट होगा, इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है, देखिए 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है ना। ये 5 वोल्ट ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। या से एसी इनपुट होगा, एस एम पी स्विचिंग करके, या से 26 वोल्ट आउटपुट होगा, 26, 28, 24 ऐसा बीच में ऐसा ही वोल्टेज होता है इसका, इसका चौक को हम देखेंगे। तो इसको आप देखेंगे तो देखिए, और फिल्टर लगा के इसको रेडी किया है, और ये जो प्रोसेसर है, इंसू है, इसको सब कंट्रोल करेगा, जो टाइमर है, जो स्पीड बढ़ाने के लिए। इसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताओ, पूरा सर्किट डायग्राम करके मैं आपको दिखाऊंगा, दे दूंगा। और आज मैं आपको ये जो टेस्टर, आप देखिए टेस्टर कैसे चेक करेंगे, देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसा ही घूमेंगे, ठीक है, घूमने का तरीका ऐसा ही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ऐसा ही घूमेंगे, ये थ्री फेज, ये जो थ्री फेज है, ये थ्री फेज कॉइल का अंदर चला जाएगा। इसको मैं इसको ओपन करके एक बार दिखाऊंगा, स्टॉप करिए थोड़ा सा दोस्तों, देखिए वो जो टेस्टर, टेस्टर कहाँ गया, इसको दीजिए। ये जो टेस्टर, बीएलडीसी जो टेस्टर है, ये आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तीन वायर है, इसका डायग्राम मैं शेयर कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, 6 LED है, 6 LED आप कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, टेन के, ठीक है, ये एक हो गया, और इधर देखो, ये दोनों शॉर्ट कर दो, 10K, ठीक है, और इसको भी देखो, ये दोनों शॉर्ट कर दो, 10K, ठीक है, इसको पूरा शॉर्ट कर दो, एक साथ पूरा शॉर्ट कर दो, और ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, ठीक है। एक वायर है UVW, समझ में आया है दोस्तों, ऐसा ही दोनों LED रिवर्स फॉरवर्ड ऐसा कर दो, करके आप देखिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये सब आपको करने के सर्किट में आपको दे दिया। तो दोस्तों आप देखते रहिए, आगे भी क्या होगा देखते रहिए। देखिए दोस्तों, मैं दोनों फैन को ओपन किया है, ये हमारा कॉमटॉम है और ये हमारा बजाज है, तो सबका अंदर सेम ही है, लेकिन अलग अलग कंपनी से अलग अलग ड्राइवर यूज किया है, एक कॉमटॉम का है, एक बजाज का है। सबका अंदर जो इसमें देखा, एसी वोल्टेज यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ से इनपुट हुआ, ए एसएमपीएस चॉपर है, यहाँ से डीसी आउटपुट करेगा। उसका बाद आपको देखिए इसका अंदर क्या है, ये भी कॉइल देखिए, 1, 2, 3, ये इसका अंदर 12 कॉइल है, और इसका अंदर 18 कॉइल है, 18 पीस, और इसका अंदर 12 पीस कॉइल है। ये कॉइल का डायग्राम क्या होता है, वो सब पार्ट पार्ट करके मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, हम मेजरमेंट कर पाएंगे।
एक इसका अंदर मैग्नेट भी है, हाई मैग्नेट है, देखो इधर इसको देखिए, ये हाई मैग्नेट है, ये मैग्नेट का माध्यम से ही ये जो थ्री फेज का मोटर है वो चलता है। ये थ्री फेज मोटर हमारा इन्वर्टर जो एसी होता है ना उसमें यूज होता है, और बहुत सारी अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ये डीसी में रन करेगा, ये 220 में नहीं चलता है, यहाँ से एसएमपीएस डीसी जो वोल्ट आउटपुट होगा उसका माध्यम से ही चलेगा। इसका वाटेज बहुत कम है, 25 वाट, 30 वाट, 26 वाट, 28 वाट ऐसा कुछ होगा, ठीक है, अलग अलग कंपनी से, और करंट कंजम्पशन बहुत कम होगा, इसलिए इसका देखिए बहुत हाई मैग्नेटिव है, तो इसको घूमेंगे ऐसा ही घूमेंगे क्या करेंगे, ठीक है। और इसका बोर्ड देखो, इसको मैं ओपन करके आपको देख रहा हूँ, ये भी सेम है पूरा, अब देखिए ना मैं आपको देखने के, देखिए आज मैं आपको एक प्राइमरी जो नॉलेज है वो दे रहा हूँ, इसका बारे डीपली मैं आपको धीरे धीरे सब अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी थ्री फेज का मोटर है, देखो इधर ये भी तीन वायर है, तीनों मॉस्फेट लगा हुआ है, देख रहा हूँ, देखिए इधर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी इधर से चलते, इसका सेंसर देखिए इधर, ये बजाज कंपनी का है, यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, इसको ओपन कर देंगे तो इधर चला जाएगा, ओपन करना पड़ेगा, देखिए ये भी ओपन हो गया, ये भी इसका सर्किट है, देखिए यहाँ पर भी कॉइल है, यहाँ पर भी तीन वायर है, यहाँ पर भी तीन वायर है, कॉइल का जो वायर होगा वो थ्री वायर होगा, थ्री फेज इसको बोलता है, UVW, ये थ्री फेज मोटर जो होता है उसका एक नंबर है, जैसे जनरेटर में होता है XYZ, इसमें भी ऐसा है। तो ये जो काम है हमारा जो टेक्नीशियन भाई है वो आसानी से काम कर पाएंगे, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कैसे वर्क कर रहा है। और इसका जो SMPS देखिए, यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगा है, डिफरेंस ऐसा ही होता है, दोनों ही देखिए कोई फिल्टर नहीं लगा है, लेकिन सेकेंडरी में फिल्टर है, देखिए प्राइमरी में जहाँ पर EMI सेक्शन है वहाँ पर फिल्टर नहीं है, वहाँ पर एक फिल्टर लगा है, लेकिन वो दूसरा काम में यूज किया है, वो भी मैं आपको सर्किट डायग्राम के डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों आपका इसका बारे पूरा नॉलेज लेना चाहता है तो हमको कमेंट करके बताइए, हम पूरा डिटेल्स पार्ट पार्ट करके आपको शेयर करूंगा। और ये रिमोट से चलता है, रिमोट से ऑन ऑफ, स्पीड कंट्रोल, टाइमर, सब कुछ आप सेटअप कर सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा अपडेट प्रोग्राम में अटेंड करना चाहता है तो हमारा जो नंबर है इस नंबर में कॉन्टेक्ट करिए, और बांग्लादेशर नंबरे बांग्लादेशर प्रोग्राम यदि आप अटेंड करते चान, बांग्लादेश टेक्नीशियन बंदुधर बोलछी, বাংলাদেশের নাম্বারে যোগাযোগ করুন। বাংলাদেশে যে নেক্সট আমার প্রোগ্রাম হবে ওই প্রোগ্রামে এই BLDC ফ্যান রিপেয়ারিং রিলেটেড সব কিছু নলেজ ওখানে আমি এটা গিফট করব, শেয়ার করব। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি।